लेकिन आज मैं जो आपको मैसेज देने वाला हूं उसको ध्यान से समझना सर। हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? कॉलगेट से भाई साहब हम अपना दांत साफ करते हैं, जिनेट से हम शेव करते हैं, पियर सोप से हम नहाते हैं, ओल्ड स्पाइस को हम शेव करने के बाद लगाते हैं, लिवाइस की हम जीन्स पहनते हैं, मैगी खाते हैं, नेस कैफे पीते हैं, सोनी देखते हैं, वोडाफोन यूज करते हैं, रेबैन का चश्मा पहनते हैं, रेडो और रोलेक्स जैसी घड़ियां पहनते हैं, टोयोटा और हुंडई जैसी गाड़ियां चलाते हैं, एप्पल का फोन यूज करते हैं, एप्पल का कंप्यूटर यूज करते हैं, मैकडोनल्ड से बर्गर खाते हैं, केएफसी से चिकन खाते हैं, डोमिनोज से बीवी अपने घर के लिए अपनी बीवी के लिए पिज्जा पैक करा के लेके जाते हैं, जॉनी वॉकर और शिवास रिगल की दारू पीते हैं, अमेजोन से सामान खरीदते हैं और दिवाली पे चाइना की लड़ियां लगाते हैं और सवाल करते हैं कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले नीचे क्यों जा रहा है। भाई भारत में बने हुए प्रोडक्ट पर अगर हम अपना पैसा खर्च नहीं करेंगे तो भारतीय रुपया डॉलर के अगेंस्ट नीचे जाएगा ही जाएगा। जितना सामान आप फॉरेन चीजों में, विदेशी सामानों को आयात करने में, अपना अपने घर में लाने में जितने डॉलर खर्च करते हैं, उसका असर रुपए की कीमत पर नहीं जाएगा क्या सर? एक बार अपने घर में, अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू कीजिए, फिर देखिए भारतीय रुपए की कीमत क्या होती है। सिर्फ 15 अगस्त में झंडा उठा के भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलने से आप देशभक्त नहीं बन जाएंगे। सच्ची देशभक्ति इसमें है कि हम अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करें और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, तभी हम सच्चे देशभक्त बन पाएंगे, तभी हमारी देशभक्ति सच्ची होगी। नहीं तो 15 अगस्त की देशभक्ति, अकेले 15 अगस्त की देशभक्ति हमारी देशभक्ति नहीं है। और दोस्तों मैं आपसे कहना